नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 12 सितंबर को हुई घटनाओं के बारे में जानकारियां देंगे। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। 1779 में संत कबीर के अनुयायी और गरीब पंथ के संस्थापक गरीबदास की मृत्यु हो गई। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया और वे भारत के गवर्नर जनरल साथ ही कमांडर इन चीफ आर्मी ऑफिसर बने। 1899 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के मास्टर TN स्वामीनाथन पिल्लई का जन्म हुआ। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई, हजारों ओरकजई और अफ्रीदी आदिवासियों ने खुद को भारी कीमत पर अभिभूत और मार डाला। 21 ब्रिटिश राज सिख सैनिक हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में तिराह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ब्रिटिश भारत में 1909 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रिट्ज हॉफमैन को सिंथेटिक रबर के लिए दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया। 1970 में सुपरसोनिक एयरलाइनर कॉनकॉर्ड पहली बार हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा। 1949 में थियोडोर ह्यूज जर्मन संघीय गणराज्य पश्चिम जर्मनी के पहले राष्ट्रपति चुने गए, जिसमें कॉनराड एडेनॉय प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1970 में सोवियत मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 चंद्रमा पर प्रक्षेपित हुआ। 1992 में माई जेमिसन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं। 2000 में हॉलैंड नीदरलैंड ने समान लिंग विवाह, गोद लेने और तलाक की अनुमति देने वाला कानून पारित किया। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर 2001 के हमलों के जवाब में नाटो समझौते के अनुच्छेद 5 को पहली और एकमात्र बार लागू किया गया है। 2004 में यूएस ओपन मेन्स टेनिस ऑस्ट्रेलियाई लेटन हैविट को पछाड़कर स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने पहला यूएस खिताब जीता। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।